वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल निष्ठा कोडर रोहित में। और आज की वीडियो में हम टाइटल वो इनपुट टाइप के बारे में बात करेंगे कि जो हमने पिछले एचटीएमएल कोर्स में जाना था कि इनपुट के थ्रू हम हमारे वेब पेज पर कुछ बटन वटन ऐड करते थे, टेक्स्ट ऐड करते थे, आज उनके बारे में जानेंगे। तो ये मैंने कुछ इनपुट यहाँ पर टाइप रखे हैं थोड़े, ठीक है, आप इनको आज इनके बारे में हम जानेंगे। कुछ बटन टैग, कुछ ईमेल, इस टाइप का चेकबॉक्स हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा था, यहाँ पर हमने यहाँ पर ईमेल ऐड करना भी पढ़ा था। तो इस टाइप के कुछ हम इनपुट टैब के हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले मैं वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर वीएस कोड को ओपन करने के बाद एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं input.html, ठीक है, तो ये मैंने फाइल क्रिएट कर ली है। और यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ सिंपली, और इसको जूम कर ताकि आपको दिक्कत ना हो, सिंपली जूम कर लेता हूँ। और यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ इनपुट टैग, और एट्रीब्यूट ना इतना रहने दीजिए, काफ़ी है, ठीक है ना। तो इनपुट टैग देने के बाद बॉडी के अंदर आऊँगा, मैं यहाँ पर एक सिंपली कंटेंट लिख देता हूँ लॉरेम, ठीक है, तो लॉरेम पैराग्राफ लिख देता हूँ ताकि हमको कंटेंट मिल जाए हमारे वेब पेज के ऊपर। और यहाँ पर मैं उसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर हमारा वेब पेज क्रिएट हो गया है और यहाँ पर लॉरेम कंटेंट भी आ चुका है। अब दोस्तों हमको करना क्या है, हम सिंपली हम यहाँ पर एक एक करके इनपुट जो टैग है उसको लगा लगा के देखेंगे और यहाँ पर कुछ उसके टाइप को जानेंगे कि इनपुट टैग के टाइप जो होते हैं कितने होते हैं और कौन सा टाइप क्या काम करता है, ठीक है। तो इनपुट टैग के अंदर सबसे पहला टाइप हम जो नॉर्मली मिलता है टेक्स्ट, जो जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, जो पढ़ चुके हैं उनको नहीं करेंगे, जो नहीं पढ़े उनको करेंगे, ठीक है। तो इनपुट टाइप जो टेक्स्ट है, सबसे पहले मैं अपने जो वेब पेज है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप चाहोगे। तो सबसे पहला आपको मिलता है बटन, ठीक है, बटन मिलता है, आप बटन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे MDN रेफरेंस ओपन करके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मिलता है हमको यहाँ पर बटन, ठीक है, बटन जो कि हम पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं, इसको रहने देते हैं। चेकबॉक्स भी कर चुके हैं, ठीक है, ये भी कर चुके हैं, इस पर सिंपली इस टाइप का बटन आ जाता है। चेकबॉक्स भी हमने पिछली वीडियोस में करा था। अब कलर जो है कलर करके देखते हैं, ठीक है, कलर को ऐड करके देखते हैं हमारे पेज पर। तो कलर वाला टाइप है, इसके लिए हमको यहाँ पर इनपुट के अंदर टाइप के अंदर कलर लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। कलर लिख दिया, यहाँ पर आ भी गया, एंटर किया, सेव किया, और यहाँ पर देखेंगे हमारे वेब पेज पर आया है कि नहीं। ये देखिए कलर वाला बॉक्स आ गया, इस पर क्लिक करता हूँ मैं तो मुझे डिफरेंट टाइप के कलर मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं। अब दूसरा टाइप देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से मेरे को कलर ऐड करना है। नेक्स्ट करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट ऐड करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। कलर ऐड कर लिया हमने, यहाँ इसके बाद हम ऐड करेंगे डेट, ठीक है, डेट इस टाइप से डेट कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पर टाइप के अंदर डेट लिख देंगे हम, डेट, और सेव कर देते हैं, देखते हैं डेट आई है नहीं आई है। देखिए यहाँ पर डेट वाला ऑप्शन भी आ गया है, यहाँ पर डेट पूछने लगा है वो, देख कितना बढ़िया लग रहा है। अगर आप कलर ऐड करना चाहते हैं अपने वेब पेज पर तो कलर भी ऐड करवा सकते हैं, डेट ऐड करवाना है डेट भी ऐड करवा सकते हैं। अब थर्ड आता है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट कलर करूँ तो हाँ रहने देता हूँ, यहाँ पर कुछ ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है, बाद में देखेंगे इसको, अभी आप हम टाइप ही जानते हैं ना, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम आते हैं अगली डेट भी हमने ऐड कर ली है। या डेट टाइम लोकल क्या है, यहाँ पर हम डेट और टाइम दोनों बंदे से पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है कि डेट और टाइम वाला आपको ऑप्शन मिल जाए वेब पेज पर, इसलिए इसको नहीं कर रहे हैं हम। ईमेल वाला ऑप्शन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, फाइल के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत सी जगह आपने वेब पेज पर देखा होगा कि वो पूछते हैं फाइल अपलोड करिए या फ़ोटो अपलोड कीजिए। तो फोटो मोटो अगर अपलोड या फाइल अपलोड करवाना चाहते हैं आप किसी से, तो हम फाइल अपलोड वाला ऑप्शन इनपुट में देते हैं। यहाँ पर मैं इनपुट को कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर टाइप की जगह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर फाइल लिख दिया है, चूज फाइल नहीं लिखना है यहाँ पर, फाइल लिख देते हैं ना, फाइल, और क्योंकि ये फाइल टाइप होता है, ठीक है ना, तो फाइल कर दिया। और यहाँ पर देखिए चूज फाइल वाला ऑप्शन आ गया है हमारा, ठीक है, तो फाइल वाला ऑप्शन आ चुका है दोस्तों, बढ़िया अच्छी बात है, ठीक है। हम इस पर जब भी क्लिक करेंगे तो हम कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, ठीक है, इस तरीके से क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए फाइल का नाम आ गया, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से हम फाइल अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जाऊँगा, इनपुट लिखूँगा, इनपुट एंटर करूँगा, टाइप, अगला टाइप देखते हैं हम कौन सा है, ठीक है। अगला टाइप हमने यहाँ पर फाइल भी पढ़ लिया है, देख लिया है, ठीक है, फाइल के बाद इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिखे। हिडन कोई मतलब नहीं है, इमेज भी हम कर चुके हैं,
मंथ पूछे जाते नहीं है बिल्कुल, नंबर, हाँ नंबर पूछा जाता है। कि कभी जब भी अगर आपको अपने वेब पेज पर किसी अपने यूज़र से एज पूछना हो तो हम यहाँ पर उस समय नंबर का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, मान लीजिए कोई भी एज लिखूँगा, 15 लिखी मैंने, इसको अप करूँगा 16, 17, 18, 19, 20, इस पर डाउन होती जाएगी एज, तो कोई भी बंदा आराम से सिलेक्ट कर सकता है, उसे आसानी हो सकती है एज में। तो हम एज ऐड कर सकते हैं एज वाले नंबर पर। यहाँ पर नंबर टाइप किया, सेव किया और अपने वेब पेज पर आ गया मैं, वेब पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे हमारे वेब पेज पर आ चुका है ये, और इस पर सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई भी नंबर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, कोई भी एज, मतलब कोई भी बंदे की एज है, मैं 13 लिख देता हूँ आई थिंक, है ना, 13 सही है ना, 13, 14, 15, इस टाइप से बंदा उसको हाई और लो कर सकता है, अप और डाउन कर सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है ये नंबर वाला। पासवर्ड, आप अगर मान लो आप यूज़र से पासवर्ड और ईमेल पूछना चाहते हैं तो आपको पासवर्ड वाला बटन भी उसके वेब पेज पर लगाना पड़ जाता है। तो उस समय हमको क्या करना है, सिंपली हमको यहाँ पर इस बटन को ऐड करने के लिए पासवर्ड लिखना है टाइप के अंदर। तो मैं नेक्स्ट जाऊँगा, टाइप, ओ सॉरी बॉडी चले गया, ठीक है, इनपुट, इनपुट लिखूँगा, इनपुट में लिख दूंगा पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है, और जैसे सेव करूंगा यहाँ पर हम देखेंगे कि पासवर्ड वाला यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर जब भी मैं टाइप कर रहा हूँ, देखिए कोई भी शो नहीं हो रहा है कैरेक्टर इसमें, तो ये पासवर्ड टाइप का आ गया है इसमें। ठीक है, तो बहुत अच्छा है ये, तो हमने पासवर्ड वाला भी ऐड कर लिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, जो कि हमारी वेबसाइट पर। ठीक है, और हम जब इसको अच्छे से अरेंज कर लिखेंगे इन टाइप्स को अपने वेब पेज पर, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देंगे ये सभी इनपुट टाइप हमारे वेब पेज में। रेडियो बटन हम कर चुके थे यहाँ पर, ठीक है, पिछली वीडियो में, छोड़ते हैं इसको। और रेंज, हाँ रेंज बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाई चांस अगर आपको अपने वेब पेज पर कोई ऑडियो फाइल अपलोड कर रहा है, उस समय आपको ऑडियो की रेंज सेट करना है, तो उस समय आप रेंज बटन, रेंज इनपुट टाइप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इनपुट टाइप देखूँगा यहाँ पर मैं, और यहाँ पर रेंज सेट कर दूँगा, और जैसे ही सेव कर देता हूँ यहाँ पर रेंज वाले पे अपने वेब पेज पर आकर देखता हूँ, यहाँ पर रेंज भी आ चुकी है, जो कि बहुत अच्छे से हम काम भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अगला टाइप देखेंगे यहाँ पर, अगला टाइप रेंज की बात पर है, रीसेट। रीसेट क्या यूज़ करता है, रीसेट यानी आपके वेब पेज पर आप रीसेट बटन ऐड करना चाहते हैं, जो भी इनपुट ने डिटेल फिल करी उसको वो रीसेट कर सकता है इसके थ्रू। तो इनपुट करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा रीसेट, रीसेट और सेट, सेव कर देता हूँ, तो रीसेट वाला बटन टाइप का आ जाएगा। आप बटन भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर रीसेट आ गया है। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जो भी डाटा लिखूंगा, अभी क्या ये इसमें सपोर्ट तो करेगा नहीं, क्योंकि क्रोम सपोर्ट करता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके जब भी रीसेट करेंगे ये सारा कुछ डाटा मिट जाएगा। ठीक है, रीसेट दबाने पर, तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं, रीसेट के बाद हम आते हैं सर्च पर। सर्च, देखो सर्च बहुत इंपॉर्टेंट बटन है, जो आपको लगभग हर वेब पेज पे मिल जाएगा, तो उस समय आपको क्या करना पड़ता है, सर्च बार ऐड करना पड़ता है हर वेब पेज पर। तो सर्च के लिए, इसके लिए आपको इनपुट के अंदर टाइप सर्च करना ही पड़ेगा, तो इनपुट लिख देता हूँ यहाँ पर और टाइप लिख देता हूँ सर्च, और सर्च करने के बाद इसको सेव करता हूँ और अपने वेब पेज पर ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे हम, सर्च बार हमारा आ चुका है। अब इसके आगे बटन भी लगा सकते हैं, सर्च बटन लगा दिया या क्लियर बटन लगा दिया, तो उस टाइप से हम बटन इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। सबमिट, सबमिट हम इसमें यहाँ पर बटन लगा सकते हैं, सबमिट, ठीक है, सबमिट बटन लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। टेल, अगर किसी से नंबर पूछना है तो उस समय आप इसका यूज़ करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। टेक्स्ट हम पढ़ चुके थे, ठीक है, टाइम पूछा जाता नहीं है। यू आर एल, हाँ यू आर एल पूछना होता है कभी कभी हमें हमारे वेब पेज पर लोगों से, तो यहाँ पर यू आर एल ऐड कर देते हैं। तो मैं इनपुट लिखूंगा और यहाँ पर लिख देता हूँ URL और सेव करता हूँ इसको, और यहाँ पर हम इसको अपने वेब पेज पर ओपन करके देखते हैं। ठीक है, तो वेब पेज पर ओपन करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर देखिए URL भी आ चुका है। यहाँ पर URL लिखेंगे, अगर गलत होगा तो ये रेड बता देगा, तो ये देखिए रेड बता दिया इसने। तो ये काफ़ी अच्छा एक कार से हमारा यू आर, देखो यहाँ पर लिखा है प्लीज़ इंसर्ट आर URL, नीचे लिखा कर भी आ रहा है बाकायदा, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, तो दोस्तों आप आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।